तो ये आज के हम ये वीडियो लेके आए हैं इंजन ऑयल फ्लश के बारे में। तो आपने मेरी कुछ वीडियो से पहले एक वीडियो देखी होगी इंजन ऑयल के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि क्या है इंजन ऑयल, किस तरह वो काम करता है और क्या क्या इंजन ऑयल सही से टाइम पे ना बदलने पे परेशानियाँ होती हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि इंजन ऑयल फ्लश क्या है। जब हम गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं और उसके बाद में अगर उसको हम फ्लश करते हैं किसी केमिकल से करते हैं, तो ये क्या पूरी प्रोसेस है और अगर आपको ये प्रोसेस करनी चाहिए या नहीं, आपको कितना ज़रूरत है इस प्रोसेस की, इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, बात करते हैं इंजन ऑयल फ्लश के बारे में। तो इंजन ऑयल फ्लश एक ऐसी प्रोसेस है कि जब आप अपनी गाड़ी में ऑयल को डालते हैं, इंजन में आपने ऑयल डाला और वो आपका बहुत टाइम तक चलता है, मान लीजिए 5,000 या 10,000 किलोमीटर जो भी आपने चलाया, फिर आप उसको निकाल देते हैं और दोबारा से आप नया ऑयल डालते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप मान लीजिए ऑयल आपने जो भी नया डाला है वो पूरा आप जब निकालने उसको बैठते हैं पुराना होने के बाद में, तो पूरा के पूरा ऑयल नहीं निकल पाता है। और गाड़ी जब चल रही होती है या आइडियल पे खड़ी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो इंजन में ट्रैप रही जाती हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करती हैं कि आपके इंजन में कार्बन डिपॉजिट करती हैं। वो बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज आपने मतलब गाड़ी चलाई और अगले दिन आपकी गाड़ी के इंजन में कार्बन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, पर ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत स्लो होती है। अब इस चीज़ को काटने के लिए आपको उसकी सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार आप पूरा इंजन खोल के अंदर से साफ़ कर लो। तो इस चीज़ के लिए बनाया जाता है इंजन ऑयल फ्लश। अब इस चीज़ के बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, तो वो उसमें आपको जब भी आप फ्लश करना होता है तो आपको ऑयल में उसको मिक्स कर देना है। जैसे आपकी गाड़ी का जो भी यहाँ से आप ऑयल इनलेट है वहाँ पे आप डाल दीजिए, थोड़ी देर गाड़ी को चालू रहने दीजिए और वो पूरे में घूम के आपकी गाड़ी में जितना भी इंजन में जो भी डिपॉजिट हुआ है, जो भी आपका स्मोक है, जो भी कार्बन डिपॉजिट हुआ है, उसको वो काट देता है। और जब आप ऑयल को ड्रेन करते हैं ड्रेन से, तो वो वहाँ से बिल्कुल पूरा कार्बन निकल जाता है। इससे ये होता है कि आपकी गाड़ी में कार्बन डिपॉजिट ना होने की वजह से इंजन अच्छा परफॉर्मेंस करता है और इस प्रोसेस से आपके इंजन की लाइफ भी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो ये मोटा मोटी कह लें इस चीज़ को है, ये इस चीज़ को कहते हैं इंजन ऑयल फ्लश। अब भाई इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे मेन फ़ायदा तो इसका यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन को वो डिपॉजिट नहीं होने देता है, कार्बन डिपॉजिट जो भी हुआ है उसको इंजन में से उखाड़ फेंकता है। तो जैसे ही कार्बन आपकी गाड़ी में से निकल जाता है तो जो भी अंदर के मूविंग पार्ट्स होते हैं छोटे या बड़े, वो सारे फ्रीली काम करने लगते हैं। कभी कभी कार्बन ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स पे डिपॉजिट हो जाता है जिस वजह से आपके इंजन के कुछ पार्ट्स सही से काम नहीं कर पाते हैं और आपको फील होता है कि आपकी गाड़ी में हल्की सी पावर की कमी आ रही है, थोड़ा पिकअप लॉस हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपका इंजन अंदर से पूरा क्लीन हो जाता है तो वो आपको चलने में बेटर माइलेज भी देता है, पिकअप भी ज़्यादा देता है, पावर भी ज़्यादा जनरेट करता है, ओवरऑल आपकी गाड़ी का जो भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर होने के साथ साथ में आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देने लगती है, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी गाड़ी के इंजन पे जितना कम स्ट्रेस पड़ेगा उतना वो सही से काम कर पाएगा, पावर भी अच्छी जनरेट करेगा, तो माइलेज भी अच्छी वो देगा। तो भाई ये हो गई इनके फायदे की बात, इंजन ऑयल के फायदे की बात के। अब बात करते हैं कि इंजन ऑयल फ्लश आपको करना कब चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि आज मान लो आपने गाड़ी चला ली और कल आप इंजन ऑयल फ्लश को करने बैठ जाएंगे। देखिए, हर चीज़ के फायदे होते हैं, उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। अगर आप डेली इस चीज़ को करने बैठते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन एक तरफ से वो ख़राब भी होने लगता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इसको कराने का मतलब इंजन ऑयल फ्लश कराने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब आपने अपनी गाड़ी की 3 सर्विस कराई हैं। सपोज़ आपकी गाड़ी को आप सर्विस कराते हैं 10,000 किलोमीटर पे। अब आपने ऐसी 3 सर्विस करा चुके हैं, आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसके बाद में जब 4th सर्विस आती है तो आप उसको 40,000 तक ना ले जाके गाड़ी को 35,000 पे, मतलब जो पुराना ऑयल आपका केवल 5,000 किलोमीटर चला हुआ है, उस ऑयल में आपको इंजन ऑयल फ्लश का जो भी एडिटिव होता है, जो भी केमिकल होता है, उसको मिक्स कर देना है और 10 मिनट तक आप अपनी गाड़ी को चलने दीजिए। उसके बाद में आप उस ऑयल को ड्रेन आउट करा दीजिए। देखिए, 35,000 किलोमीटर पे क्यों, क्योंकि जनरली आप तो अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं 10,000 किलोमीटर पे, तो इस हिसाब से वो होना चाहिए 40,000 किलोमीटर पे। लेकिन 5,000 किलोमीटर पहले इसलिए कि इंजन ऑयल जो आपका 5,000 किलोमीटर ही चला है वो कंपैरेटिवली जो पहले आप 10,000 किलोमीटर ऑयल चलाते थे उसके सामने नया है,
और जितना नया ऑयल होगा उसकी डेंसिटी भी मतलब कम होती है, तो वो आपकी गाड़ी में हर जगह पूरी तरह से घूमता है और इंजन ऑयल फ्लश केमिकल के साथ में मिलके आपकी पूरी गाड़ी का इंजन अंदर से चमका देता है। अब जो इंजन ऑयल अगर आपने 40,000 किलोमीटर तक आप लेके आएँ, अगर वही इंजन ऑयल में अगर आप इंजन ऑयल फ्लश का केमिकल डालते हैं तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है जितना 5,000 किलोमीटर पहले कर लेता है। तो ये एक सही तरीका कि आपको अपने इंजन ऑयल फ्लश कब कराना चाहिए। अब भाई आपका इंजन ऑयल फ्लश हो चुका है, अब इसके बाद में आपको क्या सावधानियां रखनी होती हैं? देखिए, इंजन ऑयल फ्लश का केमिकल ऐसा होता है कि वो आपके गाड़ी के पार्ट्स को रगड़ता है, अंदर से वो सफाई करता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ वॉशर्स होते हैं कि जो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर उन पार्ट्स में आपका इंजन ऑयल फ्लश का जो केमिकल है वो लगातार लगता रहेगा तो वो पार्ट्स को कटने का डर रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सपोज़ आपने 35,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल फ्लश करवा दिया है केमिकल के साथ में, आपने पूरा कार्बन डिपॉजिट था वो निकलवा दिया है, अब आपको क्या करना है, उसमें डालना है इंजन ऑयल। अब देखिए, ये आपके बजट के हिसाब से है कि आप जो हमेशा से महंगे वाला इंजन ऑयल डालते थे वही आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप कोई भी मतलब सस्ता वाला ऑयल डलवाइए। सस्ता मीन्स इन द सेंस इतना भी घटिया वाला नहीं कि वो आपकी गाड़ी का कबाड़ा कर दे। मान लीजिए पहले आप डलवा रहे हैं 2,000-3,000 रुपये वाला, तो आप 1,200 रुपये वाला कोई भी एक ऑयल अच्छा सा देख लीजिए, वो आप डलवाइए, फिर उसको आप अपनी गाड़ी में ज़्यादा नहीं 200 या 300 किलोमीटर चलने दीजिए। यानी 200-300 किलोमीटर चलने के साथ क्या होगा कि मान लीजिए जब आपने इंजन ऑयल फ्लश केमिकल आपकी गाड़ी में डाला था और फिर आपने उसको ड्रेन आउट किया, तो ऐसे टाइम पे वो पूरी तरह से नहीं निकलता है, क्योंकि जो भी चीज़ एक बार इंजन में गिर जाती है उसको कम्प्लीटली निकालना एक बार में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आपने हल्का पुराना या फिर जो भी सस्ता वाला ऑयल डाला है उसको 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद में आप उसको निकाल दीजिए, तो उसके साथ में क्या होगा, जो भी इंजन ऑयल फ्लश के एडिटिव्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में आप जो भी है अपना रेगुलर ऑयल, आप जैसा भी डला रहे हैं, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक, वो आप डला के आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा करने से मान लीजिए आपका इंजन ऑयल का थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, पर जो मेन चीज़ है कि वो उसके एडिटिव्स हमेशा आपके इंजन में ट्रैप नहीं रह जाएंगे, तो ये बड़ी काम का पॉइंट है। मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं कि जिसमें आप एज अ कस्टमर, एज अ नॉर्मल कार ओनर, आप किस तरह अपनी गाड़ी को मेंटेन कर पाएँ। आई एम नॉट अ मैकेनिक, जैसे मैंने अपनी गाड़ी को इतने लेवल तक लेके आया हूँ, मैं अपनी गाड़ी को तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर की लेवल तक लेके आया हूँ और फिलहाल मेरी गाड़ी में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने क्या क्या सावधानियाँ बरती थी अपनी गाड़ी के साथ और आपको क्या क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में मेरी चैनल पे वीडियोस चलते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे चैनल को आप सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।